अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और रमज़ान चल रहा है तो माशाल्लाह से, तो रमज़ान में काम डबल ही होता है, बस चुटपुट के और ज़्यादा हो जाते हैं। और इधर बहरहाल मैं सेरी के लिए दूध भी गर्म कर रही हूँ, साथ साथ में बना रही हूँ मैं चाय। और चाय बना रही हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि कम से कम आधा आधा मग तो लें सब, और एक साथ ही गर्म कर रही हूँ दूध और चाय। साथ में खाएंगे हम ब्रेड। लो ब्रेड के वो कर दो, अलग अलग पीस कर दो। माद पापा का है ये बेटे, ये कैसे करा? ये बीच का अलग ही निकाल लिया तुमने है? कोई बात नहीं, वो मैं खा लूंगा। अच्छा तुम खा लो ये वाला, फिर बीच वाला ना सब पापा को दे देना अपने। और फेस कैसी तबीयत है? आई डोंट नो। फेस पता क्या करने लगा? एक्चुअली लो भाई, किसका चाहिए चाय और बन? किस किस को पसंद है जरूर बताना मुझे। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी। बना रही हूँ मैं तायरी, और ये मैंने करी है टमाटर और हरे धनिया की चटनी, अभी ताजी करी है मैंने, और थोड़ी सी काटी है प्याज। 4:10 ज्यादा ये चीज पसंद है कि हाफिज जी ये के नींद से बेदार हो जाओ, नींद से बेदार हो जाओ, टाइम निकल जाएगा। माहे रमजान, माहे रमजान, नींद से बेदार हो जाइए, उठ जाओ। आज अम्मा से कम खाई जाइए सेरी, क्योंकि सो है ना, मैं तो सो ही नहीं। बिस्मिल्लाह, आप सब भी आओ सेरी खाओ, जल्दी जल्दी उठो, सेरी का टाइम निकलने वाला है। कुत्तों को भी खिलाना पिलाना स्वभाव है। कुत्ता तायरी थोड़ी नहीं खाएगा बेटे, खा लेगा, बासी करके दूंगा। बासी बासी भी नहीं खाएगा कुत्ता, हड्डी दे देना। बिस्किट के पैकेट खा लेते हैं वो, 5 रुपए खर्च करूं? अरे हल्ला, 5 रुपए खर्च कर देना, कोई बात नहीं। वैसे स्टैम भी ना, मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है, लेकिन ये है कि अगर चाय पी ली ना नींद उड़ जाएगी। और ये लेकर आई हूँ मैं सीताफल, और ये है 1 किलो, उसको मैं कट कर लूँगी। सीताफल की सब्जी बहुत मज़े की होती है, और ये एकदम भुनी भुनी बनती है। उसका ये जो है ये निकाल दूँगी मैं, और रोज़े में तो बिल्कुल हल्की आवाज़ निकल रही है मेरी तो बिल्कुल ही। उसको ऐसे काटूंगी, और ये सीताफल की सब्जी वाकई बहुत ही मजे की होती है, बहुत हेल्दी होती है, और ये बादी बिल्कुल भी नहीं होती। सबसे अच्छी बात ये है इसके अंदर बादी नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही झटपट बनने वाली सब्जी है। और ये भी ऐसी एक पहली सब्जी है शायद जिससे छिलका समेत ही बनाया जाता है। और ये सब्जी को मैंने खूब अच्छे से वॉश कर लिया है, और जब तक चढ़ाऊंगी सब्जी पानी के अंदर भीगी रहने देनी चाहिए हमें। और ये मैंने सब्जी के लिए निकाली है साबुत मिर्च, नमक, हल्दी, और ये साबुत मुझे तेल के अंदर फ्राई करनी है, इससे बहुत ही बढ़िया जायका आता है। और ये ले लिया एक मोटा सा टमाटर, इसको काट लूँगी। इस सब्जी में बहुत कम मसाले डलते हैं, लेकिन जो भी डलते हैं बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और पराठे से खाएं, सब्जी से खाएं, सादे चावल के साथ भी बहुत बढ़िया लगती है ये। और लो तो हमारा कट गया टमाटर भी।
उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद में ये सब्जी डाल दूँगी। और आज का दिन बस मेरा बहुत ही भागम भाग गया है। अभी तो पूरा बताने का भी टाइम नहीं है, क्या भागम भाग रही है, बाद में बताऊँगी रोजे के बाद में। साबुत मिर्ची अभी नमक कंदम मसल के तब डालूंगी। तो फेस की हो रही है तबीयत खराब, फेस के बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है। फेस जल्दी खाना खाओ बेटा, अभी तुम छोटे हो रोजा रखने के लिए, तुमसे भूख नहीं होती बर्दाश्त, जल्दी खाना खाओ। और ये मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल अभी अभी दवाई, और सब्जी बनाने जा रही थी छोड़ के गई हूँ। रात को तो इतना रोजा लग रहा है कि हम मात तो लेट गए लंबे लंबे। उठा लो उसमें से जल्दी गोली पीस दूँ, ऐसी खा लोगे? अभी तो कह रहे थे खा लूंगा, आप कह रहे हो। रफ्तारी भी रेडी हो गई, देखते हैं सब्जी। और एक तो इस टाइम पे ना मोटर चल पड़ती है, और मैं बोलती हूँ तो सही से आवाज नहीं आती। और ये सब्जी देखें, ये बिल्कुल रेडी है। और सब्जी जो बनती है वो लोहे की कढ़ाई में ही बढ़िया बनती है, काली बेशक होती है, क्योंकि काली वैसे भी हो ही जाती है लोहे की कढ़ाई। और ये देखें कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बन के तैयार है, सीताफल की। बहुत लोग सीताफल कहते हैं, कद्दू बोलते हैं, हरा घिया बोलते हैं, और मैंने तो इसे वैसे सब्जी बोलती हूँ, बहुत लोग उसे भुरता भी बोलते हैं। और ये माशाल्लाह तैयार है हमारी सब्जी, बहुत ही बढ़िया। और सच बताऊँ मुझे तो टेंशन रहती नहीं है, सच बताऊँ कि नमक हल्का या हल्का रहेगा या तेज़ रहेगा, क्योंकि मुझे माशाल्लाह लगा शुक्र है शुरू से आदत है, एकदम मैं परफेक्ट डालती हूँ। और इसमें डाला ढेर सारा हरा धनिया। और चलो ये सब्जी तो मेरी तैयार हो गई। और ये मैंने काटे हैं आलू और प्याज फटाफट से, और ये बनाऊँगी मैं पनीर की पकौड़ियाँ भी। अब तो रोजे में बोला भी नहीं जा रहा। लो ध्यान से फेस, तबियत कैसी है? अभी सही नहीं है। तैयार करने के बाद में तो फौरन ही बस नमाज पढ़ने के बाद में चाहिए होती है हमें चाय, और लम में फटाफट से रख देती हूँ पहले चाय, क्योंकि सर भी ज़्यादा भारी हो जाता है। और ये पूरा किचन कर लिया मैंने क्लीन, और जब बर्तन भी वॉश कर दिए मैंने। और ये आप ढक्कन देख रहे होंगे कि मैंने क्यों निकाले हैं, ये थोड़ा बिल्कुल लाइट वैसा हो गया, कलर बिल्कुल फीका हो गया। और ये है चार बोतलों के चार ढक्कन, क्योंकि बोतल हो गई थी ख़राब, तो मैंने क्या करा था, ये मैंने ढक्कन ना रख लिए थे संभाल के। अब इसकी ट्रिक बताती हूँ मैं क्या कर। अक्सर क्या होता है ना, गैस चूल्हे की जो ये रबड़ होती है, ये होती है रबड़ की, अब वो हम जब नीचे से साफ़ करते हैं ना तो वो थोड़ा सा यूँ हो जाता है काला काला, वो आपने भी नोट करा होगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक लाई हुई है मैं, और ये मेरा अपने खुद की दिमाग की है, ये नहीं कि मैंने कभी किसी को लाइफ में कभी भी किसी को ऐसा करते हुए मैंने देखा ही नहीं जैसे मैं अब करने जा रही हूँ मैं। और ये बहुत ही आसान है, आप भी करके देखें। और ये देखें, और इससे क्या हुआ, इससे हमारी थोड़ी जो गैस की है वो थोड़ी ऊँचाई भी हो गई है, और इस ऊँचाई का भी मैं यूज़ करूँगी, अभी मैं बताती हूँ कैसे करूँगी मैं। और ये इसको भी ऊंचा करना, लाइबा ऊंचा करना सीखे इसको। और ये मैंने बच्चों की हेल्प ली है, क्योंकि एक हाथ में मेरा कैमरा है। और ये देखें, ये और ये दोनों मैंने जो नए वाले ढक्कन थे वो मैंने आगे की तरफ लगा लिए हैं, और ये जो दो हल्के रंग के थे वो लगाऊंगी मैं पीछे की साइड। और ये देखें साथ साथ में लाइबा भी मेरी हेल्प करवा रही है, बोली मम्मा लाओ मैं कर देती हूँ, एक फेज ने लगाया एक लगाया लाइबा ने, थैंक यू। और ये देखें कितना बढ़िया लग रहा है, और इसमें देखो मैं पता है इसके नीचे भी, क्योंकि मेरा ये ऊपर का जो ये स्लिप है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये जो है मेरी मसालेदान का ये जो टिफ़िन नुमा है, लाइबा थोड़ा सा ऊंचा करना, ये ऊंचा करो, गैस ऊंचा करो, गैस ऊंचा करो, अरे हल्का पूरा ही ऊपर कर दिया। और ये मैं गैस के नीचे भी काफ़ी चीज़ें रखती हूँ,
और क्या तवा रखती हूँ और चकला रखती हूँ, बेलन तो नहीं रखती चकला रखती हूँ, ये ले फेज ने रख दी अपनी चूड़िया भी, चूड़िया को संभाल लो वरना उड़ जाएगी। और ये देख ये बेटा तुमने तो निकाल दिया, इतना ऊंचा करा ना ये निकाल दिया तुमने। चलो फिर आपके पास भी ऐसे ये ढक्कन पड़े हुए हैं बोतल के, तो आप भी इसे ट्रिक को ज़रूर आजमाएं, बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही अमेजिंग है। और मुझे तो सच बताओ मेरे माइंड में ऐसे ही बस आइडिया चलते रहते हैं। और कल का रोज़ा तो मुझे सच बताओ बिल्कुल भी नहीं लगा था, जबकि मैं बाहर सौदा लेने भी गई थी और काम से भी गई थी, लेकिन आज मुझे सच बताओ इतना ज़्यादा मुझे रोज़ा लगा था बहुत ज़्यादा। क्योंकि असल में हुआ क्या था, व्हाट्सअप पे ग्रुप पे मैसेज आया था कि आज अम्मात की रिपोर्ट कार्ड लेकर आना है मुझे स्कूल से और मुझे जाना है, पेरेंट्स में से एक को तो आना ही आना है, तो अब ये तो चले जाते हैं, ये तो आ नहीं पाते, जब चले जाते हैं ऑफिस मतलब जब चले जाते हैं कारखाने तो ये आ नहीं पाते हैं, तो इस हमारे मैं ही गई थी, तो बस 1 बजे ही चली गई मैं। अम्माद ने मुझे 1 बजे लेके चले गए और वहाँ पर मीटिंग जो थी वो थी 2 बजे से स्टार्ट हुई। और यकीन करना रोज़ी की हालत में इतनी ज़्यादा एक दिमाग में उलझन हो गई ना, एक तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई और बच्चे इकट्ठे होते गए, बच्चों का शोर और फिर सर इतनी देर में आए क्लास में, और बस इतना ज़्यादा मुझे ना सर बताओ मेरा भी ना दिमाग में उलझन सी हो गई थी। और फेज़ और लाइबा को तो ले जाना था, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ ना हम्माद घर में होते हैं तो ये दोनों रुक जाते हैं छोटे, और जब मुझे हम्माद के काम से जाना पड़ता है तो मुझे इन दोनों को ना चाहते हुए भी ले जाना पड़ता है फिर मुझे, क्योंकि ये दोनों घर में भी रुक नहीं पाते हैं और मैं कहीं छोड़ती नहीं हूँ। तो बस हम्माद हो गए पास, लेकिन उम्मीद मुझे ये थी कि फर्स्ट आए या सेकंड आए या थर्ड आए, लेकिन बहरहाल मेरा वाला सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है हम्माद के साथ में और दोनों के साथ में, ताकि मेरा बच्चा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड तो आए लेकिन खाली पास हो गए हैं। और हम्माद अब गए अब दूसरी क्लास में, अब ये वाला स्कूल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे दूसरे स्कूल में। और यकीन करना फिर जब मैं वहाँ से हम गए थे 1 बजे हम लोग 1 बजे जाकर हम वहाँ से आए स्कूल से 4 बजे, और बस फेस के तो सर में दर्द और बुखार की हरारत, और फेस जो आते ही मैं फिर वहाँ से सौदा लेती हुई भी आई, फिर मैंने आते ही बनाने खड़ी भी हुई रोजे में, और फिर क्या हुआ अच्छा फेस अपनी दवाई दिखा रहा है, मैं डॉक्टर से लिखवा कर लाई वाला सिरप, क्योंकि हम्माद को भी ना मैंने सिरप पिला पिला के बड़ा कर रहा था, तो दवाई के अलावा भी मैं सिरप लेकर आई। और बस अब जैसे तैसे स्कूल से मैं आई और सब्जी बनाने खड़ी हुई, सब्जी काटी भी बनाने जब मैं खड़ी हुई, व्लॉग भी बना रही थी, और व्लॉग बनाना रोजे में बहुत ज़्यादा मुश्किल है सच बताऊँ, काम तो डेली खैर करती हूँ मैं रोजे के अलावा भी रोजे में भी, लेकिन यह है कि माशाल्लाह मेरे से ना सच बताऊँ मेरे से बोला नहीं जाता, चुप रहे कि मेरे से 100 काम करवा लो, लेकिन वो काम करते हुए वो बोलना पड़ता है ना, व्लॉगिंग करनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा मुझे वो हो रही है। और अभी आपको टाइम बताऊँ टाइम क्या हो रहा है, जो इतनी एनर्जी आई है टाइम हो रहा है 12:30, टाइम हो रहा है 12:30, तो अब जाके मुझे एनर्जी आई है, और जैसी मैं सब्जी बनाने खड़ी हुई थी वैसी फेस जो बस धाड़े मार मार के रोए, सच बताऊँ मैं तो डर गई और हिचकियों से फिर मैं फौरन ही गई डॉक्टर के यहाँ, दवाई लेकर आई और सिरप भी दे दिया डॉक्टर साहब ने, फिर इनको एक खाना खिला के फिर आ गए तुम है तो फिर दवाई खिलाई, ये है बस सारी जिम्मेदारी उठाना एक बहुत मुश्किल काम है, और रोजे भी रखना, सच बताऊँ रोजे की हालत में तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक ऐसा लगता है जिससे ना हमारे जो गुनाह है ना वो गुनाह हमारे कम हो रहे हैं। और जब बाहर में सब्जी लेने जाती हूँ ना यकीन मानो इतनी ज़्यादा रश होता है ना कि मैं तो वो रश देख के सच बताऊँ मुझे चक्कर आने लगते हैं, और बस लेकिन सच बताऊँ मुझे इतना नहीं था कि मैं रोज़े में इतना मैं बाहर जाऊँगी, और पहले रोज़े को भी मैं गई और आज भी गई और कल भी जाना पड़ेगा हो सकता है, क्योंकि अभी फेस की क्लास में जाना है, फेस का रिजल्ट लेने जाना है, फिर जाना है लाइबा में, अब यही तो ना, और फिर 1 तारीख से जाना है मुझे हम्माद का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने, और बस बहुत सारे काम है चुटपुट के, मैं हम्माद को लेके जब स्कूल गई थी ना बेटे बस हो गया।
बना रही हूँ तो थोड़ी देर बैठ ही जाती हूँ, मैं थक गई, खड़े खड़े कमर दुख गई मेरी। और बस अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक जितने भी बच्चे पास हुए हैं सब अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और बहुत अच्छे ओहदे पे पहुँचे, ऊंचे ओहदे पे पहुँचे, क्योंकि माँ बाप का तो सपना होता है कि हमारे बच्चे ऊँचे ओहदे पे पहुँचें और कामयाब हों। लेकिन बस ये है कि बस बच्चों से अल्लाह पाक बुरी संगतों से बचाए और अच्छी संगतों में बिठाए उठाए और बस शामिल करें, बस छोटी सी दुआ है। अच्छा रोज़ा खोलने से पहले तो फिर भी काम कर लो रोज़े में, और यकीन मानना रोज़ा खोलते ही तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या किसी ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया, बिल्कुल भी ना बोला जाता है ना काम करा जाता है। फिर तो मैं लेट के फिर मैं उठती हूँ 9 बजे, फिर आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी, रोटी बनाई थी मैंने रोज़े के बाद में बनाई थी, तो इस मारे बस खाली अफ्तारी बनाई थी, पकौड़ी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, और बस भी स्कूल में और बाहर के कामों में इतना ज़्यादा मैं थक गया। सच बताऊँ आज जो फंक्शन हुआ ना वहाँ पर एक मुझे मोबाइल ले जाना चाहिए था, बस ये मिस कर दिया मैंने, ये बेवकूफ़ी कर दी। वो रोज़े में ना मैं एकदम उठी, एकदम बच्चों को तैयार करने में मैं एकदम ही चली गई, बस मेरा इतना सा भी दिमाग में नहीं रहा कि मैं अपना मोबाइल लेके जाऊं ताकि वहाँ पर थोड़ा सा तो शूट करती, क्योंकि वहाँ पर सर आए हुए थे जो दूसरे स्कूल के सर थे वो भी आए हुए थे, और जो स्कूल के थे वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था सच बताऊँ। लेकिन ये है कि दिमाग भी थोड़ा बहुत वो हो गया था रोज़े में, और सच बताऊँ वहाँ पर ना एक ना हिंदू सर थे जो दूसरे स्कूल से आए थे, तो बाकायदा पूरी क्लास में पेरेंट्स बैठे थे और बच्चे इतने, ये समझो कि किसी अंधे को भी पता होगा इस टाइम के रोज़े चल रहे हैं, और बाकायदा टेबल पर उनके नमकीन और बिस्किट आई और वो खा भी रहे। अल्लाह मुझे इतना ज़्यादा वो हो रहा है, पता रोज़ा हम नहीं भी रखे हैं या कोई नहीं भी रखे हैं, अगर हम एहतराम कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है, और अल्लाह ताला एहतराम का भी उतना ही सवाब देता। वैसे मैं रोज़े में बाहर जाने से बचती हूँ मैं, लेकिन इस साल तो पता नहीं क्यों पहले रोज़े से ही मेरा बाहर जाना ही हो रहा है, तो बस अब देखते हैं कल। और अभी व्लॉग बनाने का भी टाइमिंग सेट नहीं हो पा रही मेरी, और व्लॉग एडिट करने में भी अपलोड करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, ये है क्योंकि हम आज भी रोज़े रखते हैं फिर वो भी थक जाते हैं, और तरावी भी चल रही हैं। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। आओ अल्लाह हाफिज़। अब दवाई पी के कैसा लग रहा अभी थोड़ा।